हिमाचल प्रदेश में आप अपनी ज़मीन का ततीमा यानी मैप कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, ज़मीन का ततीमा निकालने के लिए चाहे वो सेटलमेंट मैप मुसाबी हो या लेटेस्ट मैप मोमी, आपको उस ज़मीन का खसरा नंबर पता होना चाहिए दोस्तों। और अगर आपको खसरा नंबर पता नहीं है तो आप मेरी इन वीडियोज़ को देख सकते हैं दोस्तों। इन वीडियोज़ में मैंने डिटेल्स में बताया है कि खाता, खतौनी और खसरा क्या है और आप अपनी ज़मीन का पर्चा घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं। और दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम आए तो माई डिजिटल सेवा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़मीन का ततीमा निकालने के लिए आप सबसे पहले इस साइट पर आ जाएंगे। इस साइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप माई डिजिटल सेवा पर जाकर भी इसकी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। इस साइट पर आने के बाद आप सबसे पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप गांव सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप जमाबंदी बल सेलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों, नीचे जहाँ लिखा है प्रतीक की किस्म चुने, यहाँ पर जमाबंदी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे रिपोर्ट चुने में आप ततीमा पर सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, आप ततीमा या ततीमा व जमाबंदी दोनों में एक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, ततीमा में सिर्फ ज़मीन का मैप आएगा, जमाबंदी व ततीमा में दोस्तों ज़मीन के मालिकों के नाम और उस ज़मीन का ततीमा दोनों आ जाएगा। अब दोस्तों, नीचे जहाँ लिखा है ततीमा का खसरा नंबर चुने, दोस्तों आप अपनी ज़मीन का खसरा नंबर यहाँ पर चुन लेंगे। अब दोस्तों, नीचे जहाँ लिखा है ततीमा का प्रकार, यहाँ पर आप लेटेस्ट मैप मोमी या सेटलमेंट मैप मुसाबी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लेटेस्ट मैप पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नीचे कैप्चा फिल करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इसके बाद नई विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें आपकी ज़मीन का ततीमा आपके सामने आ जाएगा, इसमें आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपनी ज़मीन का दाम घर बैठे कैसे पता कर सकते हैं, यानी सर्कल रेट्स। और दोस्तों, अगर ये जानकारी आपके काम आई होगी तो माई डिजिटल सेवा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।